जिसकी लोकेशन हम आपको समझा रहे हैं, ये चार मूर्ति गोल चक्कर से लेके चलते हैं हम आपको। ये टोटल 20 एकड़ का प्रोजेक्ट है और ये हम आपको लेके चलते हैं, हमें चार मूर्ति गोल चक्कर। गाइज प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 5400 से लेके 5500 स्क्वायर फिट का इसमें प्राइस चल रहा है। 2 BHK फ्लैट इसमें 45 लाख से लेके 50 लाख तक जाता है और 55 से 60 लाख तक 2+ स्टडी जाता है। 1395 का जो फ्लैट है वो 70 से 80 लाख रुपए जाता है विद PLC पार्किंग के साथ में। चार मूर्ति से लेफ्ट लेके अब सीधे चलते हैं हम आपको सूरजपुर रोड पर। इसी के पास में मल्टीपल स्कूल्स हैं, मल्टीपल रेजिडेंशियल एरिया है और आगे हम चलते हैं तो डीमार्ट आ जाता है और लोटस वैली स्कूल आ जाता है। और डीमार्ट के जस्ट सामने ही गोल्डन आई का कमर्शियल प्रोजेक्ट है। डीमार्ट के जस्ट साइड में ही आर्था मार्ट प्रोजेक्ट आ जाता है और जस्ट थोड़े से आगे चल के लेफ्ट लेते हैं तो फिर आ जाता है आपका लार रेजिडेंशिया का कमर्शियल और एंट्री गेट। और हैं फेज वन की बात करें तो हम इसका ओवरव्यू दिखा रहे हैं आपको, प्रोजेक्ट के चारों तरफ से आपको कंप्लीटेशन कितना हो चुका है। ये इसका एंट्री गेट है जो कि बुकिंग ऑफिस के पास में है। अब इसको SSB ग्रुप ने ले लिया है, अब अमरपाली इसको नहीं कंप्लीट करेगा, अब इसको SSB ग्रुप कंप्लीट करेगा। ये इसमें 2 कमर्शियल टावर आ जाते हैं और ये इसका कंस्ट्रक्शन का स्टेटस है करंट। इसके तीनों साइड ओपन है प्रोजेक्ट की और तीनों साइड ही इसकी काफ़ी अच्छे कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं। ये इसका मेन एंट्री गेट है, इसी के जस्ट सामने ही है पैसिफिक स्कूल। इस प्रोजेक्ट की ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटियाँ रहने वाली हैं कि नियर अबाउट करीब करीब 5 से 7 स्कूल्स नियर अबाउट हैं। सर्वोत्तम है, रियान इंटरनेशनल स्कूल है और कुछ स्कूल्स अभी डेवलपमेंट में चल रहे हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी स्कूल की बिल्डिंग्स यहाँ पे बन चुकी हैं, जैसे कि ये स्कूल्स आने वाला है यहाँ पे अभी। और एक गेट इसका ये आ जाता है, ये निराला स्टेट की तरफ। ये इसका फेज वन है जो कि कंप्लीटेशन अमरपाली ने ही कर दिया था। एक से 18 फेज वन आता है, एक नंबर वन टावर से लेके टावर 18 तक ये पोजीशन हो चुका है। 19 से 29 सेकंड फेज आता है जो कि 6 से 8 मंथ में पोजीशन दे देंगे। अगर बात करें तो मार्च 2024 तक ये सेकंड फेज का पोजीशन दे देंगे। टावर 20 SSB ग्रुप ने पोजीशन दे चुके हैं। इसका पार्क एरिया की बात करें तो 3 एकड़ का पार्क है। क्लब हाउस इसका 36,000 स्क्वायर फिट का बना हुआ है।
इसमें 4 गेट हैं टोटल, 4 बैडमिंटन कोर्ट है, पोडियम बेस्ड ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, 3 स्विमिंग पूल हैं, 1 क्लब रहेगा, टावर इसमें 39 है, फ्लोर 22 रहने वाले हैं, और एवरी टावर 2 लिफ्ट 2 स्टेयर, 4 यूनिट एवरी फ्लोर। और ये आ जाता है आपका, फिर हम इसके गेट के एंट्री गेट के सामने से लेके आते हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये अमरपाली का ही प्रोजेक्ट है, ये लाल रेजिडेंशिया का कमर्शियल है। इसमें जो इन्वेंट्री है 2 BHK में 880 स्क्वायर फिट की है, 1010 स्क्वायर फिट का है, और 3 BHK में 1170 है, 1395 है, 1545 है, 1705 है। और ये आज का करंट स्टेटस है, जो कि बहुत ही स्पीडली कंस्ट्रक्शन चल रहा है। टावर 22 में 880 एंड 1010 स्क्वायर फिट के 2 BHK अपार्टमेंट हैं सभी। टावर 23 में 1545 से 1705 स्क्वायर फिट के हैं, जो कि 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम के साथ में है। 1705 में 3 प्लस 4 वॉशरूम प्लस सर्वेंट रूम, ऐसे ही 1545 में 3 वॉशरूम है प्लस स्टडी रूम है। टावर 24 में आ जाते हैं तो 880 और 1010 स्क्वायर फिट के 2 BHK हैं। टावर 25 में 1395 स्क्वायर फिट का फ्लैट है, जिसका हमने इसमें वीडियो भी डाल रहे हैं, और हम स्टार्ट करते हैं इसका। ये 1395 स्क्वायर फिट का आपको दिखा रहे हैं, और हमने इसी वीडियो में 880 का भी लिया है बोला था। ये आपका टावर 20 है, और ये फेज 2 है। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये 880 स्क्वायर फिट का, अभी इस टावर का पोजीशन स्टार्ट होने वाला है। अब ये हम आपको दिखा रहे हैं 1010 स्क्वायर फिट का, जो कि 2 प्लस स्टडी BHK है। ये इस तरीके से इन्होंने डेवलप कर चुके हैं। ये किचन एरिया आएगा, ये मास्टर बेडरूम आ जाएगा 28 वॉशरूम के साथ में, इनबिल्ट अलमीरा के साथ में, सेकंड बेडरूम, और ये कॉमन रहने वाला है वॉशरूम, और अटैच्ड भी रहने वाला है बेडरूम से। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, सफिशेंट एरिया रहने वाला है वॉशरूम का। ये अथॉरिटी का पार्क रहेगा, जहाँ पे ये ग्रीनरी दिखाई दे रही है। ये एलिगेंट प्रोजेक्ट है साइडी में, 4 एकड़ का, वो निराला स्टेट है, स्प्रिंग मिडोज है। और ये हम अपने लाल रेजिडेंशिया की करंट अपडेट कर रहे हैं आपको। एक सामने से गेट रहने वाला है, 2 गेट इन्होंने कमर्शियल के पास से लिए हैं, और 2 गेट इन्होंने एक गेट पैसिफिक के सामने से लिया है।